हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो में हम रेनफोर्स्ड कंक्रीट डिज़ाइन में काम आने वाले कोड्स और हैंडबुक्स को डिस्कस करेंगे। ये क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं और रेनफोर्स्ड कंक्रीट डिज़ाइन में कौन कौन से कोड्स और कौन कौन से हैंडबुक्स यूज में आते हैं वो देखेंगे। अलग अलग कंट्रीज़ में नेशनल बिल्डिंग कोड्स बनाए जाते हैं ताकि स्ट्रक्चर्स की डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ गाइडलाइंस दी जा सके, मतलब कुछ दिशा निर्देश दिए जा सके कि किस तरीके से डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन होने चाहिए, उनमें काम में आने वाले मटेरियल्स की स्पेसिफिकेशंस और उनकी टेस्टिंग किस प्रकार होनी चाहिए एट्सेट्रा। एक्सपर्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की कई सालों की कलेक्टिव विजडम से कोड्स बनाए जाते हैं। अ कोड रिप्रेजेंट्स द कंसेंसस ऑफ ओपिनियन ऑफ एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स एंड प्रोफेशनल्स। कोड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स के ओपिनियन जिन पे ये सब सहमत होते हैं उन ओपिनियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। कोड्स को पीरियोडिकली रिवाइज भी किया जाता है ताकि ये करंट रिसर्च और ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग रहे। पास्ट डिज़ाइन प्रैक्टिस बिहेवियर ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स, मतलब जो अभी स्ट्रक्चर्स खड़े हैं उनका बिहेवियर कैसा है और कोई स्ट्रक्चर अगर फेल हो जाता है तो वो किस कारणों से फेल हुआ है, इन सब की जो नॉलेज है वो भी इन कोड्स में इंक्लूडेड रहती है। इन इस नॉलेज के बेसिस पे जो डेवलपमेंट हुए हैं, दीज डेवलपमेंट्स आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन दीज कोड्स। रिकमेंडेड लोड्स फॉर अ गिवन लोकेलिटी एंड द रिकमेंडेड फायर एंड करोजन प्रोटेक्शन, ये भी कोड्स में दिए जाते हैं कि लोड्स कौन कौन से लेंगे हम किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में और वहाँ पे फायर और करोजन प्रोटेक्शन क्या होना चाहिए। लोडिंग किस तरीके से अप्लाई होने चाहिए उसके रूल्स और स्टील कॉन्क्रीट और अदर मटेरियल्स के डिजाइन रूल्स भी कोड्स में दिए गए हैं। अब हम कोड्स के फंक्शंस देखेंगे। द कोड्स सर्व एटलीस्ट फोर डिस्टिंक्ट फंक्शंस। कौन कौन से, पहला फंक्शन है दे इंश्योर एडिक्वेट स्ट्रक्चरल सेफ्टी। कोड्स कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई करता है जो डिज़ाइन के लिए ज़रूरी होती है और इन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को प्रोवाइड करके हम स्ट्रक्चर को सेफ बना सकते हैं। सेकेंड फंक्शन है कि कई बार कोड डिज़ाइनर के काम को थोड़ा सिंपल कर देता है। कैसे, कुछ एनालिसिस होते हैं जो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होते हैं, इन एनालिसिस का रिजल्ट कोड में एक सिंपल फॉर्मूले या चार्ट के रूप में दिया जाता है, तो इन फॉर्मूले और चार्ट को यूज करके डिजाइनर कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को थोड़ा अवॉइड कर सकता है। थर्ड फंक्शन, दे इंश्योर अ मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी अमंग डिफरेंट डिजाइनर्स। मान लो कोई प्रोजेक्ट है जिसपे दो तीन डिजाइनर्स काम कर रहे हैं, तो अगर वो कोड्स को फॉलो कर रहे हैं तो उनके डिज़ाइन में कंसिस्टेंसी रहेगी, मतलब उनके डिज़ाइन में यूनिफॉर्मिटी रहेगी, डिज़ाइन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करेगी। एंड द फोर्थ फंक्शन इज दे हैव सम लीगल वैलिडिटी। अगर कोई स्ट्रक्चर इनएडिक्वेट सुपरविजन या फॉल्टी मटेरियल या कंस्ट्रक्शन के कारण फेल हुआ है और उसकी डिज़ाइन अगर प्रॉपर की गई है, तो इस केस में कोड्स स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर को प्रोटेक्ट करता है। स्ट्रक्चर डिजाइनर अपना पॉइंट रख सकता है अगर उसने कोड्स को फॉलो किया है तो। एक बात ध्यान में रहनी चाहिए कि कोड्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग और इंजीनियरिंग जजमेंट के सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब कोड्स इनकी जगह नहीं लेते हैं। और अगर कोई डिजाइनर कोड्स को ब्लाइंडली फॉलो करता है बिना कुछ समझे तो हेल मेक अ पुअर डिजाइनर। सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव हिज अंडरस्टैंडिंग The designer must learn to question the code provisions. Designer को code provisions को भी question करना चाहिए, as indeed he must nearly everything in life. India में जो standard codes वगैरह है वो Bureau of Indian Standards द्वारा publish किए जाते हैं, BIS. This is the national standard body of India, headquartered in Delhi. आरसीसी डिजाइन में बेसिक कोड है IS 456/2000, इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000, ये ईयर 2000 में रिवाइज किया गया था। प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस फोर्थ रिवीजन,
इसमें दूसरे नेशनल कोड्स जैसे ACI 318, BS 8110, यूरो कोड वगैरह का भी रेफरेंस दिया गया है वेर एवर रेलिवेंट। स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए जो लोड्स कंसिडर किए जाते हैं वो IS 875 में दिए गए हैं अर्थक्वेक के अलावा। तो IS 875 पार्ट्स 1 to 5 1987, दिस इज कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिजाइन लोड्स अदर देन अर्थक्वेक फॉर बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स, सेकेंड रिविजन। IS 1893 2002, इसमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन, स्ट्रक्चर्स के अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन के क्राइटेरिया दिए हुए हैं और पार्ट वन में है जनरल प्रोविजंस एंड बिल्डिंग्स। ये कुछ IS कोड्स के कवर पेज हैं। IS 456 2000 रीअफर्म्ड इन 2005, भारतीय मानक इंडियन स्टैंडर्ड, सामान्य एवं प्रबलित कंक्रीट रीति संहिता, प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस, फोर्थ रिवीजन, चौथा पुनरीक्षण, पब्लिश्ड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये IS 875 पार्ट वन का कवर पेज है। पार्ट वन में डेड लोड्स के बारे में बताया गया है, यूनिट वेट्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स एंड स्टोर्ड मटेरियल्स। पार्ट टू में लाइव लोड या इम्पोज्ड लोड्स के बारे में बताया गया है। IS 875 के पार्ट थ्री में विंड लोड्स हैं, पार्ट फोर में स्नो लोड्स हैं और पार्ट फाइव में स्पेशल लोड्स और लोड कॉम्बिनेशंस के बारे में बताया गया है। ये IS 1893 का कवर पेज है। इस कोड में संरचनाओं के भूकंपरोधी डिजाइन के मानदंड दिए गए हैं। अब डिजाइन हैंडबुक्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS ने कुछ हैंडबुक्स भी पब्लिश करी थी जो IS 456 के 1978 वाले वर्जन के लिए यूजफुल सप्लीमेंट्स की तरह काम करती हैं। हालांकि इन हैंडबुक्स को अपडेट करने की जरूरत है ताकि इनको रिवाइज्ड वर्जन के अकॉर्डिंग बनाया जा सके, 2000 वाले वर्जन के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी भी इनमें कई प्रोविजंस ऐसे हैं जो अभी भी वैलिड है, स्पेशली जो स्ट्रक्चरल डिजाइन से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। तो कौन कौन से हैंडबुक्स यूज में आती हैं? SP 16 1980, स्पेशल पब्लिकेशन 16 1980, डिजाइन एड्स फॉर रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट टू IS 456 1978। SP 23 क्या है? हैंडबुक ऑन कॉन्क्रीट मिक्सेस। SP 24 एक्सप्लेनेटरी हैंडबुक ऑन IS 456 1978 और SP 34 हैंडबुक ऑन कॉन्क्रीट रेनफोर्समेंट एंड डिटेलिंग। अदर रिलेटेड कोड्स, और भी कई सारे कोड्स होते हैं जिनको डिजाइनर रेफर कर सकता है। कोड्स डीलिंग विथ मटेरियल स्पेसिफिकेशंस एंड टेस्टिंग, मटेरियल्स के स्पेसिफिकेशंस और टेस्टिंग के लिए भी कोड्स होते हैं और रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स की अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन के लिए स्पेशल डिजाइन प्रोविजंस होते हैं जिनके लिए भी कोड्स होते हैं। IS 13920 ये डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स सब्जेक्टेड टू सीज्मिक फोर्सेस, इनके लिए है। IS 3370 दिस इज कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर कंक्रीट स्ट्रक्चर्स फॉर द स्टोरेज ऑफ लिक्विड्स। कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स जैसे ब्रिजेस, फोल्डेड प्लेट्स और शेल्स, चिमनीज, बंकर्स और साइलोज, इनके डिजाइन के लिए भी कोड्स होते हैं। एक बात और इंफॉर्मेशन के लिए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया के लिए जो इंडियन स्टैंडर्ड है वो है IS 1। तो इस वीडियो में हमने स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स, कोड्स और हैंडबुक्स के बारे में जाना। थैंक यू।